कोरोना महामारी की इस जंग में सभी अपने तरीके से बचाव में लगे हुए हैं। रीवा के सिरमौर में शिक्षा अधिकारी की एक अच्छी पहल सामने आई है। ये अधिकारी ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को मास्क और साबुन बांटने के साथ लोगों को कोरोना से बचने के उपाय भी बता रहे हैं। देश में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। कोरोना से बचने के उपाय सभी लोग कर रहे हैं। जहां कोरोना के एक भी मरीज नहीं है, वहां भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। रीवा के सिरमौर स्थित चचाई में विकासखंड शिक्षाधिकारी द्वारा लोगों को कोरोना से जागरूक किया जा रहा है। विकासखंड अधिकारी राजधर साकेत द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाँव वालों को मास्क बांटे गए हैं। इसके साथ ही साबुन दिया गया। अधिकारियों द्वारा सभी को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया है। साथ ही लगातार हाथ धोने और मास्क पहनने की हिदायत भी दी गई है। बताया जा रहा है कि अधिकारी द्वारा मास्क स्वयं तैयार करवाए गए हैं। घर के सारे काम करने के लिए कई सारे व्यक्ति ना निकले, सिर्फ एक ही व्यक्ति निकले और सारे कामों को कर ले, प्रयास ये होना चाहिए। और यदि कहीं आप बाहर से घर जाते हैं तो पहले आप सीधे बाथरूम में जाइए, साबुन से हाथ धोइए, कम से कम 20 सेकंड तक साबुन को हाथ में लगा करके अच्छी तरह से उसको रगड़िए, फिर पानी से हाथ धोइए, इसके बाद ही आप अंदर जाइए। और बार बार जितनी भी बार आप घर से बाहर निकलते हैं तो साबुन से ही हाथ धोइए, हाथ धोने के बाद ही अंदर जाइए। किसी भी स्थिति में आप बगैर हाथ धोए अंदर न जाएं। किसी को छुए ना, हमेशा 2 से 3 मीटर की दूरी बना के रखें और साबुन से हाथ बार बार धोएं। इस बीमारी का से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग और साबुन से बार बार हाथ को धोना। यदि ऐसा आप करते हैं तो ये बीमारी आपके घर तक नहीं पहुँच पाएगी। ध्यान रखिएगा, ये बीमारी संक्रामक नहीं है, ये सिर्फ मानव से ही मानव में फैलती है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।